वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग फोटो वीडियो एडिटिंग कर सकते हो VNF से, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और जिसे कि हम आज क्रिएट करने वाले हैं। कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ट्रेंडिंग फोटो वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो या फिर दोस्तों इसकी जो डाउनलोड फाइल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप इसको ओपन करोगे, प्लस के आइकन पर जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी 5 से 6 फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप अपनी 6 फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पर ओके कर देना है। जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पे ओके करोगे, यहाँ पे आपको एक ओरिजिनल का ऑप्शन दिखेगा एरो का, इस पर आपको ओके करना है और 9:16 इस रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। अब आपको लास्ट में आना है, यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर का वाटरमार्क दिखेगा VNF का, इस पर ओके करना है और इसको डिलीट कर देना है। तो हमारा जो पहला प्रोसेस था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है फोटो वाला। अब सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक म्यूजिक ऑप्शन दिखेगा, इस पर ओके करना है, म्यूजिक वाले ऑप्शन पे ओके करना है, माई म्यूजिक पे जाना है। दोस्तों मैं जिस म्यूजिक का यहाँ पे यूज करूँगा उसकी जो डाउनलोड फाइल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसका यूज कर सकते हो या फिर दोस्तों अगर आपके पास कोई म्यूजिक है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। तो मैंने एक यहाँ पे म्यूजिक डाउनलोड कर रखा है, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। म्यूजिक सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे ओके का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको टिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे म्यूजिक आ चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, थर्ड नंबर पे इस म्यूजिक में आपको बीट लगाने हैं। यहाँ पे आपको एक बीट का ऑप्शन दिखेगा, जैसे आप म्यूजिक के ऑप्शन पे ओके करोगे इस पर आपको ओके करना है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार इस म्यूजिक को यहाँ पे प्ले करके देख लेना है कि आपकी जो बीट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो हम एक बार इसको प्ले करते हैं। तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हो, मतलब म्यूजिक में जो यहाँ पे जो ऊपर टिक हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बीट मार्क करना है। आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले पे आना है और यहाँ पे जो रेड कलर का बीट है इस पर ओके कर देना है। उसके बाद में सेकंड वाले इस पर आना है, फिर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ पर आपके म्यूजिक में यहाँ पे जो बीट है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इतना सब करने के बाद आपको ओके कर देना है। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जहाँ पर आपका पहला बीट स्टार्ट हो रहा है, जो पहली वाली फोटो है, इस पर ओके करना है और उस बीट को यहाँ पे उसके बराबर कर देना है। जैसे कि हमारा जो पहला बीट है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो आपको इस वाली फ़ोटो को यहाँ पर एंड कर देना है। उसके बारे में देखिए, जैसे कि आप इसको जूम भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सेकेंड वाली फ़ोटो पर ओके करना है और जो सेकेंड बीट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक इसको रख देना है। उसके बाद में आपको थर्ड वाली फ़ोटो पे ओके करना है और जो थर्ड बीट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे इसको रख देना है, जैसे कि यहाँ तक आपको इसको रख देना है। इतना सब करने के बाद अब आपको यहाँ पे फोर्थ फोटो पे ओके करना है। इसको भी दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए, मतलब दोस्तों जहाँ पर आपके बीट है उसके सामने आपकी फ़ोटो को रख देना है। उसके बाद में आपको इस वाली फ़ोटो पे ओके करना है और इसको इस बीट के सामने रख देना है। उसके बाद में लास्ट वाली फ़ोटो है, इसको देखिए आप कुछ इस तरह से एंड कर सकते हो। इतना सब करने के बाद देखिए दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट वाली फ़ोटो है इस पर ओके करना है। जैसे इस पर ओके करोगे यहाँ पे आपको एक FX का ऑप्शन दिखेगा, इस पर जाना है। जैसे इस पर जाओगे यहाँ पे आपको राइट साइड आना है और यहाँ पे आपको एक वाइट का ऑप्शन दिखेगा, इसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं इसकी आवाज़ को यहाँ पे एक बार म्यूट कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेना है और जो ये एरो है इसको देखिए आपको कुछ इस तरह से लेके आना है। देखिए दोस्तों हमारी जो फोटो है इस पर यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा जो हमने FX लगाया था वो यहाँ तक हमारा यहाँ पे आया है। देखिए जैसे कितने सेकंड है, 3 सेकंड है। तो आपको क्या करना है, आपको 3 सेकंड पे आना है और यहाँ से आपको देखिए स्प्लिट का ऑप्शन दिखेगा, स्प्लिट कर देना है। उसके बाद में इस वाली फ़ोटो पे दोबारा ओके करना है, FX पे जाना है और उसी वाइट वाले को आपको सेलेक्ट करना है और देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। इतना सब करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ओके कर देना है। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसके साइज कम कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपकी जितनी भी फ़ोटो है इस फोटो पे आपको ओके करना है, FX पे जाना है, यहाँ पे दोस्तों आपको राइट साइड आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जैसे कि जूम आउट का, इसको सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है।
जितनी भी फोटो है सभी में दोस्तों जूम आउट लगेगा ओनली फर्स्ट वाली फोटो को छोड़कर। तो सभी में मैं यहाँ पे जूम आउट लगा देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैंने सभी फोटो में जूम आउट वाला जो यहाँ पे इफेक्ट था उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्लस का आइकॉन दिख रहा है इस पे ओके करना है। यहाँ पे आपको जूम वन का ऑप्शन दिखेगा, इसको सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। सेकंड वाले प्लस पे जाना है, इस पे भी आपको यहाँ पे जूम वन वाले पे ओके करना है और सिलेक्ट कर देना है। मतलब जितने प्लस के आइकॉन है फर्स्ट वाले को छोड़कर सभी पे आपको जूम वन के ऑप्शन पे ओके कर देना है। तो मैं इन सभी को एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना सब करने के बाद देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको तो पहला प्लस का आइकॉन दिख रहा है इस पे ओके करना है और इसको आपको यहाँ पे व्हाइट सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। तो देखिए दोस्तों हमारी जितनी भी फोटो है जितने भी है हमारे यहाँ पे जो प्लस का आइकॉन है उसमें यहाँ पे हमने जूम आउट लगा दी है। मतलब कि आपको पहले वाली फोटो छोड़नी है, पहले वाली फोटो दोस्तों यहाँ पे आपकी यहाँ पे एंड होती है। इसको मैंने दो भागों में कन्वर्ट किया है क्योंकि इसमें एफएक्स वाला जो फिल्टर था वो यहाँ पे फिट नहीं आ रहा था। बाकी आपकी जितनी भी फोटो है इसमें आपको जूम आउट है और जूम वाले जूम वन वाला जो यहाँ पे फिल्टर है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो फाइनली दोस्तों हमारी जो फोटो की वीडियो है ट्रेंडिंग फोटो वाली वीडियो वो बन के यहाँ पे रेडी हो चुकी है। एक बार मैं इसको आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने इस पे ओके किया तो देखिए दोस्तों ये जो वाइट है ये कुछ मतलब ज़्यादा यहाँ पे टाइम है। तो आपको क्या करना है, इस फोटो पे ओके करना है, फर्स्ट वाली पे एफएक्स पे जाना है और जो वाइट वाला यहाँ पे ऑप्शन है इस पे ओके करना है और देखिए आपको कुछ इसको यहाँ पे 20-25 कर देना है और ओके कर देना है। उसके बाद में आपको इस वाली फोटो पे आना है, इसको भी आपको यहाँ पे 25 कर देना है और ओके कर देना है। अब दोस्तों फाइनली मैं एक बार इसको यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारी जो फोटो की ट्रेंडिंग वीडियो है वो यहाँ पे फाइनली बन के रेडी हो चुकी है। अब इसको डाउनलोड करना है आपको HD में। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऊपर आपको एक एरो का ऑप्शन दिखेगा, इस पे ओके करना है। जैसे इस पे ओके करोगे आपका मोबाइल फोन किस क्वालिटी को सपोर्ट करता है 2K 1440 या फिर 1080 पिक्सल उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं 1080 पिक्सल कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको इसको FVS को यहाँ पे आपको 30 रख देना है और जो आपका बिट रेट है इसको दोस्तों यहाँ पे आपको हाई कर देना है करीब यहाँ पे आपको 40 के करीब। उसके बाद में आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे ओके कर देना है। आपकी जो फोटो की वीडियो है ट्रेंडिंग फोटो की वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, अब आप इसका यूज कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी के लिए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।